इंजीनियरिंग और टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोटली इंजीनियरिंग चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके इस चैनल के वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कोई भी इमेज की साइज जो है वो छोटी या कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पहला तो है इमेज रिंग लाइट और दूसरा है कैम स्कैनर। ये दोनों भी एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप कभी भी ऑनलाइन जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो उस टाइम पे एक रिस्ट्रिक्शन आता है कि आप जो भी इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका साइज रिस्ट्रिक्शन आपको दिया जाता है। तो उसके लिए मैं ये जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ वो आप फॉलो करें तो आपके जो आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि आप किसी भी इमेज की जो है साइज छोटी या बड़ी कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं गैलरी से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सपोज कीजिए ये फोटो है, अभी इसकी जो है मुझे इसको मुझे रिसाइज करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, शेयर पे प्रेस करूंगा। शेयर पर प्रेस करने के बाद अभी आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप जो है उसमें से इमेज श्रिंक लाइट जो है उसे सिलेक्ट कर ले। अभी जो है आपके सामने ये इमेज श्रिंक लाइट जो है उसका ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें जितने सारे ऑप्शन है हर ऑप्शन पे जो है आपकी फोटो का साइज जो है वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो ओरिजिनल पिक्चर है, जो इमेज है, उसकी साइज दिखा देता हूँ। तो डिटेल्स में जाने के बाद इसकी जो साइज है, तो ये जो ओरिजिनल इमेज है इसकी साइज है 269 KB। तो अभी मैं जो ये इमेज की जो साइज है उसको आपको कम करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद आपको इमेज श्रिंक लाइट सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर जो ऑप्शंस अवेलेबल है सामने, वो हर ऑप्शन में जो है डिफरेंट साइजेस है, तो आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आपकी इमेज जो है उस साइज की बन के निकलेगी। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, QVGA वाला। तो आप देख सकते हो कि जो 269 KB की जो इमेज थी उसका साइज जो है अभी 26 KB का हो गया है। और उसी तरह मैं बैक जाकर आपको अभी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और अभी इस बार मैं SVGA वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज की साइज कितनी हो गई, 105 KB। और उसी तरह से मैं अभी वापिस से बैक जाके दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ SVGA+। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो इमेज की साइज है वो हो गई है 200 KB। अभी साइज चेंज हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैम स्कैनर का ऑप्शन है उस पे प्रेस करना है। अभी ये जो आपकी रिसाइज्ड इमेज है वो कैम स्कैनर में ओपन हो चुकी है। इसमें आप जो है आपकी इमेज को क्रॉप कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करे, जो अगर आपको ऐसी रखना है वैसी रखे। क्रॉप करने के बाद आप इसे सेव टू गैलरी कर लीजिए, तो जिसकी वजह से आपकी जो रिसाइज इमेज है वो गैलरी में आपको दिखाई देगी। तो अभी मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए गैलरी में आप देख सकते हो इमेज श्रिंक के फोल्डर में मैंने पहले तीन बार जो है फोटो को रिसाइज किया था, तो वो तीनों फोटो इधर अवेलेबल है, जो एक 26 KB की थी, एक 105 KB की थी और एक 200 KB की थी। अभी मैं आपको कस्टम साइज जो ऑप्शन है उसके बारे में बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इमेज श्रिंक जो ऐप है उसे ओपन करना है। अभी इसमें कस्टम साइज जो है वो है 800x480। अब आप इसे जो है चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो इमेज का साइज चाहिए उस हिसाब से आप चेंज करें। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसे चेंज करता हूँ 650x300। और अभी फिर मैं बैक जाके वापिस से गैलरी में जाता हूँ। और वही इमेज वापस से ओपन कर लेता हूँ। तो ये है ओरिजिनल 269 KB की फोटो। अभी फिर से वही सेम प्रोसीजर, शेयर में जाके इमेज श्रिंक को ओपन कर ले। लेकिन इस बार मैं ऑप्शन जो सिलेक्ट करूंगा वो है कस्टम साइज का जी। तो आप देख सकते हो कि कस्टम साइज को सिलेक्ट करने से मेरी जो फोटो की साइज है वो हो चुकी है 60 KB की। और फिर आप वैसे ही इसे कैम स्कैनर में जाके क्रॉप कर लीजिए, करना है तो करें, नहीं तो रहने दीजिए। नीचे आप देख सकते हो ऑप्शंस है, जो इफेक्ट्स अवेलेबल है, आप आपकी इमेज का इफेक्ट्स दे सकते हैं। और फिर बाद में इसे सेव टू गैलरी कर लीजिए। आप चाहे तो आपकी इमेज को जो है वो PDF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
ऊपर आप देख सकते हो पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज 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 डू सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट। थैंक यू गाइस।